गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। हम सेकंड सेमेस्टर का आज वीडियो में देखेंगे MCS 011 सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां एरे से स्टार्ट करना बाकी था। बीच में स्टॉप हो गया था ये क्योंकि कुछ इश्यूज हो रहे थे इंटरनेट और मेरे लैपटॉप में, दैट्स वाई। सो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे क्या होता है, और ये ब्लॉक 1 यूनिट 2 है MCS 011 का। इसमें थ्री ब्लॉक है, जिसमें से हम लोग सेकेंड ब्लॉक 2 का यूनिट 2 देखेंगे। मिस्टेक हो गया था। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। व्हाट इज़ एरे? इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न टू वर्क विद द एरे। You will learn to declare, analyze and process access element in an array with the help of example. So देखते हैं क्या है ये। an array is a variable that can store multiple value. एक array एक variable है जो कि बहुत सारे values को store करता है। Such as example कि if you want to store 100 integers, you can create an array for it. लुक एट दैट कि हम इस तरीके से लेंगे इन डाटा 100 एंड ये हम इस तरीके से यहाँ पे इनलाइज करेंगे। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर एरे नहीं होता तो हमें 100 वेरिएबल्स को इंट 1 करके ऐसे इंट 1 इंट 2 इंट 3 ऐसे करके 100 तक ले जाना पड़ता, बट नहीं, एरे की वजह से ये चीज़ बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स और रोल नंबर अगर क्रिएट करने हो तो एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका एक एक करके निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इस एरे की वजह से ये चीज़ बहुत ही इजी हो जाता है। सो हाउ टू डिक्लेयर एन एरे? फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा टाइप्स, ये सिंटैक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप्स, एरे नेम और एरे साइज़। यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ बता रखा कि यहाँ पे सेम एज इट इज़ ये सिंटैक्स है, डेटा टाइप्स एरे और एरे का साइज़ डिक्लेयर। एरे का साइज़ यहाँ क्या है? 100 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोट मार्क है 5, ठीक है। जैसे कि डेटा टाइप्स, एरे नेम्स और एरे साइज से क्रिएट करना है तो मैंने क्रिएट किया, फ्लोट नंबर लिया, ठीक है, फ्लोट वेरिएबल। इंट का मैंने यूज़ नहीं लिया क्योंकि इंट पहले मैंने यूज़ कर लिया। तो हेयर वी डिक्लेयर एन एरे मार्क्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, ठीक है, एंड इट्स साइज इज 5। इसका साइज 5 है, 5 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, 5 के अंदर कर सकता, ठीक है। तो इट्स मीनिंग कि इट कैन होल्ड 5 फ्लोटिंग नंबर वैल्यूज, ओके। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द साइज एंड टाइप्स ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज वंस दैट इज डिक्लेयर, ठीक है। ये चेंज नहीं कर सकते हैं जब डिक्लेयर हो जाना है, ठीक है। एक्सेस एरे एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हम देखेंगे कि एनालाइज, डिक्लेयर और एक्सेस एलिमेंट को चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि टॉपिक पे जो हमारा एक्सेस एलिमेंट, एरे एलिमेंट है, उस वो क्या है, क्यों है, क्या वर्क करता है, ठीक है। यू कैन एक्सेस एलिमेंट एन एरे बाय इंडेक्स, ठीक है। सपोज यू डिक्लेयर एन एरे मार्क्स एज ए वर्ब, दैट द फर्स्ट एलिमेंट मार्क्स इज 0, दैट सेकेंड मार्क्स इज 1 एंड सो ऑन, ओके। तो जैसे कि अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे 5 साइज लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ 5 हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 मार्क्स, 0 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4। तो देखो 5 साइज ले रहा है ना, एक ये 0 वाला 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, मार्क्स 2 वाला 3 हो जाता है, 3 वाला 4 हो जाता है, और ये 4 वाला 5, 5 डिब्बा बन रहा है। बट स्टिल स्टार्ट क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी पहला जो नंबर होगा वो स्टोर पहले 0 में करेगा, फिर 1, फिर 2, ठीक है। हाउ टू इनालाइज एन एरे? इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल इंट मार्क्स 5, डेटा टाइप, डेटा नेम्स, वेरिएबल और ये एरे साइज। जैसे कि 5 मार्क्स कह रहा है, तो मैंने 5 मार्क्स के लिए लिया यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पे आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए अलग से हम लोग को यूज़ करना पड़ता था, बट एरे की वजह से ये चीज़ आसान हो जाता है। तो हम 5 ले रहे हैं तो 5 साइज लेते हैं, तो 19,
10, 8, 17 और 9, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एनालाइज एनी एरे लाइक दिस सच एज लुक एट दैट, ठीक है। हेयर वी हैवंट स्पेशल द साइज, इसमें हमने स्पेशल साइज को नहीं कमांड दिया, ठीक है। हाउ आर कंपाइल नोज टू हाई इट साइज इज 5 एज वी आर एनालाइज विद द 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ गलत हो जाता है क्योंकि एरे साइज मांगता है, साइज के विदाउट कंपाइलर नहीं जान सकता कि कितना साइज है, ठीक है। सच एज ये मैंने बताया कि मार्क्स 0 में 19 स्टोर हो रहा है, मार्क्स 1 में 10 स्टोर हो रहा है, मार्क्स 2 में 8 स्टोर हो रहा है, मार्क्स 3 में 17 स्टोर हो रहा है और मार्क्स 4 में 9 स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं एरे को, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। इनपुट आउटपुट, एरे का इनपुट आउटपुट बहुत ही इजी होता है। आप लोग जानते हो कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट ये जो हम लोगों ने डिस्प्ले पे राइट करा होता है ना, ये चीज़ जो मैंने राइट कर रखा है, इसको कहते हैं, जो कोड होता है ना वो इनपुट कहलाता है, और इसके जो डिस्प्ले में प्रिंट करवाते हैं हम, जो निकलवाते हैं, वो चीज़ आउटपुट कहलाता है। तो सच एज मैंने एक 5 वेरिएबल लिया है जो कि यूज़र डिफाइन है, यूज़र से लिया जाएगा, एंड स्टोर देम एन एरे। तो मैंने जैसे कि बताया कि आप लोग को फर्स्टली हेडर फाइल यानी लाइब्रेरीज को यूज़ करना होता है, एंड सेकेंड के इंट मैन, उसके बाद इंट वैल्यूज़ को मैंने 5 ले रखा है। यहाँ मार्क्स का यूज़ आप कुछ भी कर सकते हैं, मार्क्स वैल्यूज़ यू नो जो भी आप कर सकते हैं। तो फिर प्रिंटएफ को हमें डिस्प्ले करवाना है क्योंकि यूज़र से डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंटएफ इंटर 5 इंटीजर, ओके, ये करेंगे। ये टेक करता है स्टोरेज को कि इट इन अ एरे, ओके। तो ऑफ कोर्स एरे है तो फॉर लूप का यूज़ होगा, लूप्स के यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो फॉर लूप लगा के मैंने आई को इनिशियलाइज करा, एंड आई को 0 के अकॉर्डिंग करा, और आई लेस देन 5 एंड प्लस प्लस, ठीक है। स्कैनएफ करा रिप्रेजेंट डी एंड वैल्यू फॉर आई, प्रिंट ऑफ डिस्प्लेइंग इंटीजर, ठीक है, इंटीजर को डिस्प्ले करेगा, एंड प्रिंट द एलिमेंट। अब प्रिंट को एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इस फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसके वजह से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, ये आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। मैंने इंटर द 5 इंटीजर, तो ये 5 यहाँ तक का जो वर्क था, यहाँ तक का ये वर्क यहाँ कहता है कि तुम्हें इंटीजर को क्या कहते हैं उसे डिस्प्ले करवाने के लिए ये इंटीजर लेता है, तो यहाँ इंटीजर डिस्प्ले करता है। तो 1 के लिए 5 इंटीजर लेने के लिए है, तो मैंने 1 लिया, -3, 3403। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर माइंड, ठीक है। तुम अपने माइंड से भी यहाँ पे कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हो, नॉट अकॉर्डिंग दिस, ठीक है। एंड देन ये हमें सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड मैंने प्रिंट ऑफ डिस्प्ले करवाया कि डिस्प्लेइंग इंटीजर्स जो इंटीजर्स हैं इसमें वो डिस्प्ले करवाने। तो मैंने आउटपुट ये ऑल आर इंटीजर्स, तो ये ऑल इंटीजर्स प्रिंट होगा। अगर आपने ए डाला होता तो इंटीजर्स प्रिंट नहीं होते, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को ऑनलाइन कंपाइलर में रन करेंगे और देखेंगे कि एरे क्या है, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एंड इग्नू में कैसे एग्जांपल एग्जाम में दिए जाते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को हमेशा अप टू डेट रखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।